प्रयागराज के उमेश पटेल पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। उमेश पाल के हत्यारों के करीब पहुंची पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है, मामले का जल्द खुलासा करेगी पुलिस। गवाही से ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर किया गया। वारदात में अतीक और परिवार के लोग भी शामिल है, तो सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है। वारदात में अतीक और परिवार के लोगों का नाम शामिल है, साथ ही साथ अपने बयान से ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर किया गया है। वारदात में अतीक और परिवार के लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। गवाही से ना पलटने की वजह से बताया जा रहा है कि उमेश पटेल का मर्डर किया गया है। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर, उमेश पाल के हथियारों के करीब पहुंची है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन में है सीएम योगी। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। डीजीपी और एडीजी ने सीएम का पूरे मामले पर ब्रीफ किया है। सीएम का को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट मिली है। प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। करीब डेढ़ घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चली थी, तो देर रात मुख्यमंत्री आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। डीजीपी और एडीजी ने सीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया, पूरे मामले की जानकारी दी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सारे अपडेट्स उनको साझा किए गए हैं। डेढ़ घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चली है, हाई लेवल मीटिंग। तो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं, सारी जानकारी उन्होंने ली है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी की तलाश लगातार जारी है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी की है। एसटीएफ ने मुस्लिम बोर्डिंग में भी छापेमारी की है। तो उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई की जा रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी की तलाश लगातार जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। धूमनगंज के सुलेमसराय बाजार में उमेश पाल पर हमला हुआ था। उमेश के घर में घुसकर फायरिंग और साथ ही साथ बमबाजी भी की गई थी। उमेश पाल को बदमाशों ने 7 गोलियां मारी थी। हमले में उमेश पाल और एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। आपको बता दें, उमेश पाल राजपाल हत्याकांड का अहम गवाह था। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो हथियारों के बेहद करीब है। पुलिस को अतीक के शूटर गुलाम के करीबी की भी लगातार तलाश है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छापेमारी भी की है। विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बता दें, सीएम योगी ने लखनऊ में देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई, साथ ही साथ पूरी जानकारी जुटाई है। डीजीपी और एडीजी ने सीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया है। करीब डेढ़ घंटे पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चली है। और अब लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन की तैयारी है, कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।